अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। कुवैत के अंदर अब कोई भी गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अभी एक बंदे की गिरफ्तारी की गई है जो कि अब मिस्र का बंदा था और वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था एक गाड़ी को। कुवैती ने उसके पीछे से वीडियो बनाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया गया। तो इधर इस तरीके से आप गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्शन लिए जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब हैं कि अभी हम कुवैत को छोड़ना चाह रहे हैं, छुट्टी लेकर आना चाह रहे हैं, तो क्या इस टाइम पर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि जो फ़्लाइट का मसला था वो अभी फ़िलहाल में पूरे तरीके से नॉर्मली कर दिया गया है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। तो आप बिल्कुल पूरे तरीके से आ जाएं, कुवैत को छोड़ना चाह रहे हैं, छुट्टी के लेके आना चाह रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से आइए, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। बात करते हैं टिकट की प्राइस की। जो प्राइस है वो फ़िलहाल में उतना ही है, ज़्यादा इसमें कोई भी किसी तरह की कम बढ़ती नहीं हुआ है, जो नॉर्मली चलता है साल के 12 महीने वही सारी चीज़ें चल रही हैं अभी टिकट की, किसी भी तरीके का कोई मसला नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग कुवैत के अंदर काम काज कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है बहुत सारी मिनिस्ट्रियों में चेकिंग वगैरह हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं और ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है जो लोग इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सही जानकारी के लिए साथ में जुड़े रहें। बाकी आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।